चलिए अभी रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि साल 2021 के अंतर्गत लगातार कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की दामों के अंतर्गत वृद्धि देखने को मिल रही थी और लगभग 2100 रुपए तक में यह कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब इनका उपयोग करने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए राहत की खबर सामने आ चुकी है। इसके अंतर्गत 102.50 पैसे इसके अंतर्गत दामों में कमी कर दी गई है। तो वहीं इनके दामों को कम करने के बाद में अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 2013.50 रुपये में मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 2020 में महंगाई की मार झेल रहे आमजन के लिए नया साल की शुरुआत थोड़ी राहत भरी रही है। पेट्रोलियम गैस कंपनियों ने आज कॉमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडरों की कीमतों में 102.50 रुपये की कमी कर दी है। कंपनियों ने इस निर्णय के बाद में आज से कॉमर्शियल उपयोग का 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 2013.50 रुपये में मिलता हुआ नजर आएगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौर ने बताया कि तेल कंपनियों ने केवल कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ही बदलाव किया है, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया। घरेलू उपभोक्ता को अब भी 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर बिना सब्सिडी के 903.50 रुपये में मिल रहा है। गौर ने बताया कि पिछले साल 1 दिसंबर को कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में 101 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा किया था और उन्होंने बताया कि वर्तमान में हर रोज जयपुर में 30 से 40 हज़ार सिलेंडर की खपत होती है। ऐसे में रेस्टोरेंट संचालकों, खुले जगह थड़ी ठेले लगा करके नाश्ता बेचने वाले, चाय बेचने वालों के लिए यह थोड़ी राहत की बात है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।